तो बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली न्यूज़, सबसे पहली अपडेट को अगर हम यहाँ पे कवर करें तो वो यहाँ पे आ रही है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, आरबीआई की तरफ से। ये हमको पता है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्रिप्टो करेंसी को कोई भी सपोर्ट नहीं है, काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं। और ये चीज़ अब यहाँ पे क्या हुई है, अगर आप देखेंगे, आरबीआई रिजेक्ट फर्म पेमेंट और लाइसेंस एज इट सपोर्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे किसका लाइसेंस रिजेक्ट किया है, आपको पिछले कुछ दिनों में जब से अप्रैल स्टार्ट हुआ आपको पता होगा, कॉइन बेस आया, यूपीआई डिसेबल हो गया, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। उसके बाद मोबीक्विक ने भी हाथ पीछे खींच लिए। अब यहाँ पे इंडिया सेंट्रल बैंक आरबीआई हैज़ रिजेक्टेड इंडियन फिनटेक फर्म मोबीक्विक एप्लीकेशन टू ऑपरेट इट्स पेमेंट गेटवे ज़ाकपे। तो मोबीक्विक का जो पेमेंट गेटवे है ज़ाकपे, बिजनेस टुडे रिपोर्टेड, जो आरबीआई है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है मोबीक्विक के इस पेमेंट गेटवे का, कि क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट नहीं करना है। मतलब अगर आप देखेंगे, द रिपोर्ट सेड ए रीज़न फॉर रिजेक्शन इज़ मोबीक्विक सपोर्ट टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस वाया ज़ाकपे। तो वाया ज़ाकपे के ज़रिए, मोबीक्विक के ज़रिए एक ऑप्शन था जो लोग डिपॉजिट कर पा रहे थे, मोबीक्विक ने एक ज़रिया था ज़ाकपे के ज़रिए, तो वो यहाँ पे बंद हो चुका है, रिजेक्ट कर दिया है आरबीआई ने इस चीज़ को कि मोबीक्विक यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर सकता क्रिप्टो एक्सचेंजेस को। और मर्चेंट्स वो यूज़ ज़ाकपे विल गेट 180 डेज़ टू स्टॉप यूजिंग इट। तो ज़ाकपे का यहाँ पे लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अर्लियर मैनी एक्सचेंजेस हॉल्टेड यूपीआई पेमेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है क्रिप्टो करेंसी के लिए आरबीआई की तरफ से। हम पहले भी देख चुके हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए, तो उसी को लेके यहाँ पे जो है मोबीक्विक के जो पेमेंट गेटवे है उसका यहाँ पे लाइसेंस इन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया। ये अपडेट है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू को लेके अगर आप देखेंगे, शिबा मेटावर्स सेल वर्चुअल लैंड वर्थ 20 मिलियन डॉलर इन फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ सेल। तो पहली 2 स्टेज के अंदर 20 मिलियन डॉलर की जो लैंड्स हैं वो बिक चुकी हैं। और शिबा इनू मेटावर्स हैज सोल्ड वर्चुअल प्लॉट ऑफ 20 मिलियन डॉलर टू बिडर्स इन द फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ ए सेल। तो मेटावर्स डेवलपर सेड, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू रेज्ड ऑलमोस्ट 20 मिलियन इन 5 डेज। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, देयर आर प्रेजेंटली 3,649 लैंड ओनर इन द शिप। तो 3,600 लैंड के ओनर बन भी चुके हैं। और द मेटावर्स विद ओवर 12,900 लैंड विद प्लॉट मिंटेड, ए यूज़र परचेज 209 प्लॉट फॉर 40 थी, जिसका हमने आपको बताया था, एक यूज़र ने यहाँ पे 200 से भी ज़्यादा प्लॉट खरीदे हैं 40 इथीरियम के, जी हाँ 40 इथीरियम का। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नंबर रेज हो चुका है अभी तक जो इवेंट चल रहा है शिबा इनू का, मेटावर्स का, लैंड का 20 मिलियन डॉलर तक पहुँच चुका है। और अभी पब्लिक सेल बाकी है, तो पब्लिक सेल में ये नंबर और भी बढ़ सकता है। तो ये अपडेट है सिंगापुरियन कार डीलर की तरफ से। जी हाँ, सिंगापुर के कार डीलर टू एक्सेप्ट क्रिप्टो पेमेंट फॉर लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी के लिए क्रिप्टो पेमेंट एक्सेप्ट की जा रही है, जिस तरह अभी पीछे आपको अपडेट हमने दिया पोर्श के लिए। तो यहाँ पे अब लैम्बोर्गिनी का एक अपडेट पहले भी आया था, लेकिन यहाँ पे ये सिंगापुर के डीलर हैं। और लैम्बोर्गिनी के लिए सिंगापुरियन लग्जरी कार डीलर यूरोस्पोर्ट ग्लोबल हैज़ स्टार्टिंग एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, इथीरियम, USDT और USDC। तो ये 4 करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और पेमेंट फॉर ऑटोमोबाइल, द कंपनी डील्स इन ब्रांड लाइक लैम्बोर्गिनी, अल्फा रोमियो एंड द टूरिंग। अगर आप देखेंगे एज पर अनाउंसमेंट, यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट आती हुई, और लैम्बोर्गिनी भी अब इस लिस्ट में शामिल होती हुई। और लैम्बोर्गिनी भी अब क्रिप्टो के ज़रिए आप खरीद सकते हैं बिटकॉइन, इथीरियम सिंगापुर के अंदर। तो सिंगापुर भी एक क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है, अगर आप देखेंगे वहाँ भी जो है जून में, अगले महीने वहाँ जो है मई के बाद जो जून में वहाँ पे फिर से क्रिप्टो एक्सपो होने वाला है 16 और 17 जून को, ठीक है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। और ये कुछ चीज़ें सिंगापुर के अंदर भी हो रही हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे, बहामास की तरफ से यहाँ पे अपडेट है। और बहामास टू अलाउ सिटीजन टू पे टैक्सेस विद डिजिटल एसेट दिस ईयर। तो यहाँ पे एक पहले और कंट्री थी फ्लोरिडा, हाँ फ्लोरिडा के अंदर भी वहाँ पे टैक्स पे कर सकते थे क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो अपडेट आया था।
यहाँ पे बहामस, द गवर्नमेंट ऑफ बहामस सेड इट विल बिगिन टू अलाउ सिटीजन टू पे टैक्स यूजिंग डिजिटल एसेट दिस ईयर। तो टैक्स वहाँ के लोग जो है डिजिटल एसेट्स में भी पे कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा स्टेप बहामस की तरफ से आता हुआ और काफ़ी बड़ी अपडेट। तो यहाँ पे एक स्कैम की अपडेट आती हुई अगर आप देखेंगे, 52 टेरा यूज़र्स लूज ओवर 4 मिलियन इन क्रिप्टो आफ्टर क्लिकिंग ऑन गूगल फिशिंग एड। तो एक चीज़ आप समझ लें, आप किसी भी ऐसे लिंक के ऊपर क्लिक ना करें, किसी भी ऐसी वेबसाइट पे ना जाएं जहाँ आप साइन अप कर रहे हैं, आप अपने वॉलेट की डिटेल्स फिल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ऐसी कोई चीज़ आप ऐसे लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। जिस तरह यहाँ पे आपको हमेशा अपडेट आता रहता है, और सिक्योरिटी फ्लॉम स्लो मिस्ट रिवील्ड दैट ओवर द पास्ट 10 डेज अबाउट 52 टेरा यूज़र्स लॉस्ट मोर देन 4 मिलियन डॉलर इन क्रिप्टो। 4 मिलियन का नंबर बहुत बड़ा होता है। आफ्टर मेजॉरिटी ऑफ देम फेल फॉर ए फिशिंग स्कैम। तो फिशिंग को लेके एप्पल यूज़र्स को भी अवेयर किया था मेटामास्क वॉलेट ने भी। और यहाँ पे द विक्टिम क्लिक्ड ऑन द गूगल एड लिंक्स दैट वेयर पॉपुलर टेरा प्रोजेक्ट्स लाइक एंकर प्रोटोकॉल। तो ये ऐसे जितने भी फेक आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इन फेक लिंक्स पे आप जब भी किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हो तो उसका यूआरएल आप अच्छे से देख लें, और किसी भी ऐसे यूआरएल ऐसे भी लिंक पे आप क्लिक मत करें जिससे आपका जो है आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। ठीक है, तो थोड़ा अवेयर रहें और किसी को भी अपना पैसा ट्रांसफ़र ना करें। जो भी करना है आपको करना है, खुद से करना है, और जो भी क्रिप्टो आपको ख़रीदनी है वो आपको खुद से ही ख़रीदनी है। ठीक है, कोई और ख़रीद के नहीं देगा, तो खुद से ही ख़रीदें और ऐसे लिंक से भी बच के रहें। तो एक बड़ी अपडेट आपको दे दें यहाँ पे ट्रॉन को लेके। ट्रॉन के प्राइस अगर आप देखेंगे पिछले 24 घंटे के अंदर काफ़ी अच्छे सर्ज हुए हैं। सर्ज होने का रीज़न क्या है, जो जस्टिन सन है ट्रॉन के जो फाउंडर हैं, यहाँ पे टू लॉन्च एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन USDD ऑन ट्रॉन। तो ये अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की तैयारी है और विल यूज़ $10 बिलियन ऑफ क्रिप्टो। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है, जस्टिन सन टू लॉन्च स्टेबल कॉइन कॉल्ड USDD ऑन द ट्रॉन ब्लॉकचेन। तो ट्रॉन ब्लॉकचेन पे ये खुद का अपना जो है स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की तैयारी है। इसी ये जब न्यूज़ मार्केट में आई तो ट्रॉन के प्राइस में काफ़ी अच्छा सर्ज हमको देखने को मिला। तो थोड़ा आप ट्रॉन पे भी नज़र रखें, बाकी अपडेट आपको करते रहेंगे जो अपडेट आएगा। तो यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स थी, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और मोबीक्विक जो एक ज़रिया था वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा पीछे हट चुका है। मतलब बहुत सारे लोग मोबीक्विक के ज़रिए डिपॉज़िट कर लेते थे, वज़ीरेक्स या जो भी है जहाँ पे सपोर्ट था मोबीक्विक का। तो यही कुछ अपडेट्स थी, वहाँ से अब सपोर्ट हट चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।